दो मटके छोटे बना के दे दे। हाँ दो दिखा दे, एक वो वाला जो सामने पड़ा है मटका, तो एक इस तरह की चीज को बना दे। कहाँ जा रहे भाई? पंजाब से। ये मट्टी ये कितनी देर पड़ी रहती है, कितने दिन? दे सुबह हम उसको बना देते हैं, ठीक है, ये अभी इसमें लगा देते हैं। कोई स्पेशल मिट्टी है ये? हाँ ये चिकी मिट्टी है, अच्छी वाली। कहाँ जो नालो छा है? माँ जो नालो असलम कुमार। असलम कुमार जी जी, ठीक है। ये भाई आ गया जल्दी जल्दी करते हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं भाई, बिस्मिल्लाह रहमान। आप बोलते हैं रोटी खाते फिर बना रहा हूँ ये। अच्छा अभी तेरे को बना के दिखाता हूँ। मेहनत अलग काम है। ये मटको? हाँ ये मटको है। मटको तैयार थी। हाँ दो साठ आ जा। अच्छा ये यही चीज़ ये भी बनी हुई है जो इधर पड़े? हाँ ये। अच्छा ये सारी यही चीज़ें? हाँ ये। ठीक है अब एक वो घड़ा बना दें वो जो सामने पड़ा। उधर पंजाब में वो उन्होंने खड्डा निकाला हुआ है, पांव से चलाते हैं। हाँ वो पांव वाला चाके। हाँ पांव वाला। ये हाथ वाला है? ये हाथ वाला। तो पांव वाला पर ऊपर बैठने? हाँ ऊपर बैठ रहे। ऊपर नीचे होते हैं और थक जाते हैं। थके जाते हैं। ये वाला सही है। ठीक है बिल्कुल ऐसा बना हुआ है। सही है यहाँ पर जो पड़ा हुआ है। ठीक ये सब सेम बन गया। ये भी है बिल्कुल सूखा नहीं है। अभी सूखा नहीं है, बिल्कुल सूख जाएगा। अच्छा वाला बन जाएगा। सही सुगैस। ये जो बना रहे हैं वो बेसिकली ये चीज़ बन जाएगी और जब ये सूख जाएगा उसके बाद में वो आपको मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है। ठीक है सही लेके जा रहा है। ये रख रहा है, ये शिकल बन जाएगी देखो। ठीक है और जब ये सूख जाएगा फिर आप इसी फिर तरह से वो नेक जो तुमने बनाई है ना वो बन जाएगा। ओके हो गया, ओके हो गया। गाइस ये सिंध का एक छोटा सा विलेज है, ये देखें ये सामने ये सेम नाला, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सेम नाला जा रहा है, ये सामने सड़क है और
बड़ा नेचुरल एनवायरनमेंट है यहाँ पे। फेसबुक पे भेजेगा, यूट्यूब पे। सही दिख रहा है। हाँ बेहतरीन। ये मार्केट में कितने का बिकता है ये वाला तैयार होके? ये वाला 120 रुपए का पका के। जी सही, ऊपर वो कलर वगैरह करके है। जी सही है। ये कलर जो है ना, ये जबल का है, इसमें केमिकल वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा, ये कौन सा कलर को स्पेशल आता है? स्पेशल आता है पत्थर आते हैं, जो जबल का होता है ना पत्थर, जबल पहाड़ का। हाँ ठीक है, तो उसे कूट के पीस के फिर हम इसे कलर बना रहे। अच्छा, ये वाला कलर आप कह रहे केमिकल वाला नहीं है? ये केमिकल वाला नहीं है। सही, फिर ये उतरता नहीं होगा ना? उतरता नहीं है, जलता भी नहीं है, जैसा है ऐसा ही है, ऐसे ही रहेगा, जबल का। तो गाइस, ये जो है ना, ये फाइनल प्रोडक्ट है जी। ये पकाई करके भट्टी में, उसके बाद इसके ऊपर ये पेंट किया, और ये कह रहे हैं कि ये वाला पेंट, ये केमिकल वाला पेंट नहीं है, कुछ स्पेशल किस्म का पत्थर आता है, उसको पीस के लगाया जाता है, ताकि जब ये बर्तन में कुकिंग की जाती है या धोया जाता है तो ये उतरता नहीं है। ये पीछे भी आपका है, आ जाओ दिखा दें थोड़ा सा। अभी ये सूखेगा ना तो फिर ये पीठ बना के फिर सूखने के लिए रख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ये कंडीशन हो जाएगी। हाँ सही, ऐसे ही। ये वाली, हाँ ये वाली आवाज आती है, उसके बाद फिर पेंट होता है, उसके बाद वो जो डिजाइनिंग है कलर नहीं होता। ठीक है, वो सिर्फ उस पे करते हैं पेंट, सिर्फ उस पे करते हैं। ठीक है, तो इस पे जो कलर होते हैं वो भी कुछ स्पेशल है, वो कह रहे हैं कि केमिकल के नहीं है, ये कुछ स्टोन आते हैं, स्टोन को पीस के उनके कलर लगाए जाते हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। कलर कौन से? अच्छा ये वाला जबल का है। अच्छा ये कोई पत्थर है ये वाला? ठीक है, इसमें पानी डाल के फिर ऐसे हिला दे ना, ठीक है, फिर कलर बन जाता है, कलर बन जाता है। और ये उतरता नहीं है? नहीं, ये उसी का बना हुआ है ये भी। हाँ, ये भी पत्थर है। ठीक हो गया, चले शुक्रिया जी। कहाँ जो नॉलेज है? असलम कुमार भाई का पूछ लीजिए, अब्दुल सत्तार कुमार। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।